रुख करते हैं शोबिस की जानिब। पाकिस्तान के मारूफ गुलुकार बिलाल सईद की जानिब से अपनी सालगिरह पर रिलीज किया गया नया गाना 3 साल मदाहों को भाग गया। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर गुलुकार बिलाल सईद ने गुज़िश्ता रोज अपनी सालगिरह के मौके पर गाने को रिलीज किया, जिसे मदाहों की जानिब से खूब पसंद किया गया। बिलाल सईद ने अपनी सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार करने वाले मदाहों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आप मेरा साथ 12 साल से दे रहे हैं। ये गाना 3 साल बाद मेरे इन मदाहों के लिए तोहफा है जो मेरे लिए बेहद करीब हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ यूट्यूब चैनल 1-2 रिकॉर्ड्स पर रिलीज किया गया गाना 3 साल 10 लाख से ज़ायद बार देखा और सुना जा चुका है। वाज़े रहे कि इससे कबल बिलाल सईद का गाना बारी 2019 में रिलीज हुआ था, जो कि बहुत पसंद किया गया था। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की नई आने वाली फिल्म पठान का पहला गाना बेशरम रंग रिलीज कर दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की नई फिल्म पठान अगले वर्ष रिलीज की जाएगी। गाने में दीपिका की ड्रेसिंग और शाहरुख खान का स्टाइलिश अंदाज सोशल मीडिया पर मौजूद बहस बन गया है। पाकिस्तान की पहली बलोच रैपर और गुलुकारा एवाबी ने मौसीकार मुदस्सर कुरैशी से मंगनी कर ली। जोड़ा पिछले कुछ अरसे से अपने गाने एक साथ रिलीज करते दिखाई दे रहा है। तस्वीर में एवाबी को पेस्टल गुलाबी और सुनहरे गोल्डन रंग की सजावट वाली शलवार कमीज में देखा जा सकता है। लियारी से ताल्लुक रखने वाली एवाबी ने ताकतवर मौसीकी की बदौलत अपनी मुनफरिद पहचान बनाई। उन्होंने कैफी खलील और अब्दुल वहाब बख्ती के साथ किए जाने वाले कोक स्टूडियो सीजन 14 के मारूफ गाने किना यारी से बेपनाह मकबूलियत हासिल की। इनके लोक बलोची गाने को यूट्यूब पर लाखों बार देखा जा रहा है। एवाबी मुदस्सर कुरैशी के गानों पर 2020 से रैपिंग कर रही हैं। दोनों एक साथ 2022 में कहंदी, 2021 में मौसीकी और सियासी रिलीज कर चुके हैं।